हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू ऑफ आइडियाज ऑफ चेस्टर बर्नार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था चेस्टर बर्नार्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज थियोरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ अथॉरिटी को डिस्कस करके। चेस्टर बर्नार्ड रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल और क्लासिकल थियोरी ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय वेबर एंड फियोल। बर्नार्ड ने ट्रेडिशनल और क्लासिकल थियोरी ऑफ अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था जो कि वेबर एंड फियोल द्वारा दी गई थी। ही रिजेक्टेड द पोजिशनल थियोरी अकॉर्डिंग टू विच द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज पोजिशन एंड दिस अथॉरिटी मे बी गिवन बाय लॉ और सोशल रूल्स। बर्नार्ड ने पोजिशनल थियोरी को भी रिजेक्ट किया था। अब पोजिशनल थियोरी ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है? पोजिशनल थियोरी ऑफ अथॉरिटी कहती है कि अथॉरिटी का जो आधार होता है वो होती है पोजिशन। एक पर्सन की अथॉरिटी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो पर्सन उस पोजिशन पर होता है और ये अथॉरिटी दी जाती है बाय लॉ या सोशल रूल्स। सो इसके अगेंस्ट बर्नार्ड ने दी थी एक्सेप्टेंस थियोरी in which the basis of legitimacy is acceptance by subordinates. So, a subordinate accepts authority only because they find it acceptable. So, Bernard ने traditional, classical and positional theory को reject करकर acceptance theory दी थी, जो कहती है कि authority का आधार क्या होता है? Authority का आधार होता है acceptance by the subordinates. Authority को accept इसलिए किया जाता है क्योंकि सबॉर्डिनेट्स उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो अथॉरिटी का बेसिस या आधार होता है सबॉर्डिनेट्स की एक्सेप्टेंस, ना कि एक सुपीरियर की पोजीशन, और इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस थियरी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, अ सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट अथॉरिटी ओनली वेन इट सेटिस्फाइड फोर कंडीशन। एक सबॉर्डिनेट जो है वो अथॉरिटी को तभी एक्सेप्ट करता है अगर वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहली कंडीशन होती है वन, व्हेन दे अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन। तो एक सबॉर्डिनेट के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की पहली कंडीशन ये है कि जो कार्य उसे कम्युनिकेट किया गया है वो उसे समझ में आना चाहिए। अगर जो उन्हें कहा गया है वो उसे फुली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा कंडीशन है व्हेन कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस। जो भी उन्हें कम्युनिकेट किया गया है सुपरवाइजर द्वारा, अगर वो कंसिस्टेंट है, इन अकॉर्डेंस है विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के अनुसार है, तो वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। थर्ड कंडीशन इज इट शुड बी कंपैटिबल विद द इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स। जो भी सुपरवाइजर द्वारा कम्युनिकेट किया गया है अगर वो एक सबॉर्डिनेट के पर्सनल इंटरेस्ट में है, उसके पर्सनल गोल्स में शामिल है, तो चांसेस हैं कि वो अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी। द इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली एंड मेंटली एबल टू कंप्लाई विद द कमांड। इंडिविजुअल को, एक सबॉर्डिनेट को फिजिकली एंड मेंटली केपेबल भी होना चाहिए उस कम्युनिकेशन को कैरी आउट करने के लिए, उस कमांड को कैरी आउट करने के लिए, तभी वो उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा। उनकी एक्सेप्टेंस थ्योरी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट आते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ डिनायल के। जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है? एक्टिविटीज और ऑर्डर्स दैट अ पर्सन और सबॉर्डिनेट विल एक्सेप्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम इफ इट फॉल्स विद इन देयर जोन। देखिए, ऐसी सारी एक्टिविटीज या ऑर्डर्स जो एक पर्सन या सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि वो उनकी जोन में फॉलो करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को जोन ऑफ इंडिफरेंस कहा जाता है। जोन का मतलब है यहाँ पे स्फेयर या एरिया। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट को कहते हैं कि आप 9 to 5 वर्क करो, तो वो सबॉर्डिनेट बिना किसी प्रॉब्लम के उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि ये उनकी जोन में है। वेयर एज अगर वो सुपरवाइजर उन्हें कहते हैं कि आपको पूरे वीक में 100 घंटे काम करना है, 100 आवर्स के लिए काम करना है, तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे,
आप उस अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो कहलाएगा जोन ऑफ इंडिफरेंस नहीं बल्कि जोन ऑफ डिनायल। तो जोन ऑफ डिनायल क्या होता है? जोन ऑफ डिनायल, अ पर्सन और सबॉर्डिनेट विल नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर्स और अथॉरिटी इफ इट डज नॉट फॉल विद इन देयर जोन। अगर कोई एक्टिविटी या ऑर्डर या अथॉरिटी एक सबॉर्डिनेट की जोन में फॉल नहीं करता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि वीक में 100 आवर्स आप काम करिए, तो वो आपकी जोन से बाहर है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे, तो वो कहलाएगा जोन ऑफ डिनायल। और जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होगा? जब आप अपने सुपरवाइजर की कमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है चेस्टर बर्नार्ड से। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे और चेस्टर बर्नार्ड ने कम्युनिकेशन को अथॉरिटी माना था। कम्युनिकेशन को वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते थे ऑर्गेनाइजेशन का, और उन्होंने कहा था दैट एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज सस्टेन थ्रू कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड वाज द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट एंड नोन टू एवरीवन। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो सभी को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो हमें पता होना चाहिए हमें किस चैनल को यूज करना है। हमें ईमेल को यूज करना है, हमें रिटन लेटर भेजना है, या हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी पर्सन से कॉन्टेक्ट करना है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एवरीवन मस्ट हैव एक्सेस टू द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉलो इट। इसका मतलब ये है कि जिस माध्यम के थ्रू आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, उस माध्यम की या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की सभी इंप्लॉयज के पास एक्सेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो सभी इंप्लॉयज के पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए और सभी इंप्लॉयज को ईमेल करना आना चाहिए। द थर्ड प्रिंसिपल इज दैट द कम्युनिकेशन शुड बी डायरेक्ट एंड शॉर्ट। इसका मतलब यह है जो कम्युनिकेशन है वो जितना शॉर्ट हो सके उतना रखना चाहिए और जितना डायरेक्ट हो सके उतना डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि क्लैरिटी से कम्युनिकेशन हो सके। द फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट द पीपल सर्विंग एट कम्युनिकेशन सेंटर्स शुड बी एडिक्वेट एंड शुड बी स्किल्ड एंड इक्विप्ड विद प्रॉपर नॉलेज। जो लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और उनके पास प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके। कंप्लीट फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड एंड नो लेवल शुड बी स्किप्ड। इसका मतलब ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन करते समय प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करना चाहिए और किसी भी लेवल को स्किप या जंप नहीं करना चाहिए। द सिक्स प्रिंसिपल इज दैट द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड व्हाइल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग एंड नो पोजिशन एक्टिंग एज कम्युनिकेशन सेंटर शुड फॉल वेकेंट। ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कम्युनिकेशन की हायरार्की में किसी भी तरह की इंटरप्शन या बाधा नहीं होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट पोजिशन होती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। सेवेंथ प्रिंसिपल इज एवरी कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड इन लाइंस विद द अथॉरिटी। कम्युनिकेशन प्रॉपर चैनल्स के थ्रू होना चाहिए और अथॉरिटी के अनुसार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबॉर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से कम्युनिकेट करे और वो जो इमीडिएट सुपीरियर है, जो उससे ऊपर जो उनका अपना सुपीरियर है, उससे कम्युनिकेट करे। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन इन लाइंस विद द अथॉरिटी। अब हम समझ लेते हैं बर्नार्ड का डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंस बर्नार्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ पायनियर इन डिसीजन मेकिंग, तो बर्नार्ड ने डिसीजन को डिफाइन किया था एन एक्ट ऑफ चॉइस रीच्ड थ्रू डेलिबरेशन कैलकुलेशन एंड थॉट। बर्नार्ड ने डिसीजन को डिफाइन किया है एक चॉइस करने का ऐसा कार्य या एक्ट जिसपे डिसीजन करके, सोच विचार करके या कैलकुलेशन के बाद पहुंचा जाता है।
द चॉइस बिकम्स अवेलेबल ओनली वेन देर आर मोर देन वन ऑल्टरनेटिव. आप चॉइस तभी कर सकते हैं जब एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो. बर्नैक के अनुसार डिसीजन आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन और दूसरा है पर्सनल डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन में आता है डिसीजन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. ये हम डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम टाइप्स ऑफ डिसीजन डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं वो डिसीजन जो एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेता है, और पर्सनल डिसीजन कौन से होते हैं. पर्सनल डिसीजन होते हैं वो डिसीजन जो एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ में लेता है. सो द डिसीजन दैट आर मेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर द पर्सनल डिसीजन. एक इंडिविजुअल जब अब अपने हक में अपने इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेता है, अपनी प्राइवेट लाइफ में जब कोई डिसीजन लेता है, उसे हम पर्सनल डिसीजन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड एवरी डिसीजन कंटेन्स टू कॉम्पोनेंट्स, गोल कॉम्पोनेंट एंड द मीन्स कॉम्पोनेंट. बर्नार्ड का मानना था कि एक डिसीजन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, गोल कॉम्पोनेंट होता है और मीन्स कॉम्पोनेंट होता है. गोल कॉम्पोनेंट क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हु इज मेकिंग द डिसीजन. गोल कॉम्पोनेंट में आता है एक इंडिविजुअल का डिसीजन लेते समय अपना पर्सनल इंटरेस्ट, इसको मॉरल एलिमेंट भी कहा जाता है. और मीन्स कॉम्पोनेंट में क्या आता है, मीन्स कॉम्पोनेंट में आता है द मीन्स थ्रू विच द गोल इज टू बी अचीव. ऐसे मीन्स जिसके द्वारा एक पर्सन गोल्स को अचीव करेगा, उसे हम कहते हैं मीन्स कॉम्पोनेंट, और इसे अपॉर्चुनिस्टिक कॉम्पोनेंट भी कहा जाता है. इसके अलावा बर्नार्ड ने दो फैक्टर्स बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और स्ट्रेटेजिक फैक्टर. तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स विच हेल्प इन अचीविंग द गोल आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. ऐसे सभी फैक्टर्स जो एक पर्सन को गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में. और ऐसे सभी फैक्टर्स जिसकी एब्सेंस से एक पर्सन को अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है वो आते हैं स्ट्रेटेजिक फैक्टर में. तो ये था बर्नार्ड का डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट. बर्नार्ड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव को क्या क्या फंक्शन करने चाहिए ये भी बर्नार्ड ने बताया था, और ये उन्होंने बताया था अपनी बहुत ही फेमस बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में. तो उन्होंने तीन एसेंशियल फंक्शंस बताए हैं एग्जीक्यूटिव के. तो एक एग्जीक्यूटिव को क्या तीन फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने चाहिए. सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना और कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बर्नार्ड कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसीलिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव का सबसे पहला फंक्शन बताया है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना. दूसरा फंक्शन है मोटिवेटिंग द सबॉर्डिनेट्स एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव. सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना और उनकी बेस्ट केपेबिलिटी के अनुसार उनसे बेस्ट निकलवाना सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, ये भी एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड. एक पर्सन से आप बेस्ट परफॉर्मेंस तभी निकलवा सकते हैं अगर वो पर्सन मोटिवेटेड हो, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव को अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करके रखना चाहिए. और तीसरा एसेंशियल फंक्शन है फॉर्मुलेटिंग एंड डिफाइनिंग द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या पर्पस हैं उसको बनाए, उसको फॉर्मुलेट करे और उसे अच्छी तरह से डिफाइन करे ताकि सभी के दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, और ताकि सभी एम्प्लॉयज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में उन गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य कर सके. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड. सो आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको चेस्टर बर्नार्ड के आइडिया समझ में आए होंगे. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.